जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। वो सभी लोग परम भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने पूरे 9 दिन मैया की सेवा किया है। सभी के मन में प्रश्न है, गुरुजी हम पारण कितने बजे तक कर सकते हैं? तो आज 25 अक्टूबर को 11:25 के अंदर एएम 11:25 एएम के अंदर 11:25 एएम के अंदर पारण करना उत्तम है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं अगर इस बीच में आप नहीं कर पाए हैं। चूंकि उदया तिथि में नवमी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए कहीं कोई दोष नहीं है, जो पूरी रात्रि पर्यंत मानी जाती है। दशहरा का कुछ अलग नियम है, जिसके अनुसार दशहरा का भी आज ही उत्सव मनाया जाएगा, उसका वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। रही बात मैया की विदाई की, तो जैसे नवरात्रि पूजा हुई, बसंत पंचमी हुई, महाशिवरात्रि हुई, इसमें दिन का महत्व तो नहीं होता है, तिथि का महत्व होता है। उसी अनुसार जो है नियम पालन करने का आदेश शास्त्रों में आया है, उसी के अनुसार आज माता जी की अगर आप मूर्ति लेकर आए अथवा कलश पर आपने उनका स्थापना किया है, तो आज आप विसर्जन कर सकते हैं। कई लोगों के मन में भ्रम है, गुरु जी आज रविवार है, तो इसका यहाँ पर नियम, दिन का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। फिर भी आपके परंपरा में, आपके एरिया में अगर लोग कल सोमवार को कर रहे हैं मूर्तियों का अथवा कलश का, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। हाँ, मंत्र से विसर्जन हवन होने के बाद, उत्तर पूजन होने के पश्चात हमें अवश्य कर देना चाहिए। कई लोगों ने कमेंट्स किया, गुरुजी हमें हवन पहले करना है पारण पहले करना है? तो सभी लोग जानते हैं पहले हवन होगा, कन्या पूजन होगा, उसके बाद में पारण होगा। किसी कारण से हवन के पहले भी आप कन्या पूजन करा सकते हैं। तो निसंकोच जिन लोगों ने व्रत माता जी की कृपा से संपन्न किया है, वो सभी लोग आज पारण कर लीजिए। जय श्याराम। बहुत खुशी है, हमारे सम्मानिया दीदी के घर में आज आया हूँ, जो हमारे कई वर्षों से इनका साथ सानिध्य आशीर्वाद शुभकामनाएं पूरे परिवार के साथ प्राप्त हो रहा है। स्वयं कितनी लगन से हर वर्ष स्वयं मैया जी को सजाना, उनका सामान लेना, उनकी सामग्री लाना, स्वयं लाना और हवन कराने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन देखिए सारी सामग्री जो है पूरा से तैयार करके रखी है, ऐसे जगह हृदय प्रसन्न हो जाता है। आप सबसे निवेदन भी है कि आप स्वयं ध्यान दीजिए, अगर आचार्यों को बुला रहे हैं तो आप जितनी अच्छी तैयारी करके रखेंगे तो आचार्य का जो समय है वो अधिक से अधिक पूजन में, पाठ में, माता जी की स्तुति में जाएगा, ना कि जय जय सियाराम तैयारी में जाएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा और मैया की जो है महानवमी की। जय सियाराम।